ये आई हेट लव स्टोरी, ये क्या हो रहा है, जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं आपने इन्हें, सारा भाई वर्सेस सारा भाई या फिर कहानी घर घर की में भी देखा होगा, और अभी इनका नया शो आ रहा है लाइफ नवरंगी रे। नमस्कार, मैं हूँ, क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं। नमस्कार जी, हाँ हम बात कर रहे हैं आमिर अली की, और लाइफ नवरंगी रे बीबीसी मीडिया एक्शन की प्रस्तुति है, और ये शो बात करता है अर्बन सैनिटेशन के बारे में लेकिन एक अलग अंदाज में। आमिर, सबसे पहले बताइए ये शो एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट क्या है ये? सो ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, बीबीसी कर रहे हैं, बीबीसी एक्शन जो के दिल्ली में बेस है, अलॉन्ग विद बिल गेट्स एंड मेलिना गेट्स फाउंडेशन। सो जब मुझे शो के बारे में बताया गया था, इट वाज अ शो फॉर द पीपल। सो सैनिटेशन को लेकर, मोहल्ले में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लेकर, एंड द लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन द शो व्हेन द शो केम टू मी, एंड आई रियली थॉट दैट मुझे कुछ, मैं करता तो हूँ काम लेकिन कुछ लोगों के लिए भी करना चाहिए, बट ऑल्सो क्या होता है ना, इट कैन बी बोरिंग। अगर मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ तो इट कैन बी बोरिंग। सो ये बोरिंग भी नहीं था, दिस वॉज अ फन शो विद अ मैसेज। तो क्या होता है ना, प्रीची अगर बनने जाओ ना तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे, दो मिनट के बाद एक मिनट के बाद फ्लिप कर देंगे, मगर अगर एंटरटेनमेंट के साथ अगर उसको मिक्स करके अगर समझाया जाए तो लोग समझेंगे। सो दैट वॉज द मेन थिंग ऑफ द शो, दैट इट वॉज एंटरटेनमेंट प्लस इट वॉज द स्ट्रॉन्ग मैसेज। हम दोनों एक साथ एक कमरे में? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के साथ ना ऐसा अकेले कमरा शेयर नहीं कर सकता। राज बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए कि दोनों शादीशुदा नहीं है और हमें घर खाली करवाना पड़ेगा। बात करें मनोरंजन की दुनिया की तो वहाँ तो पूरा चकाचौंध ही रहती है हमेशा, लेकिन कभी आपने सोचा था कि कभी ऐसा भी किरदार करेंगे जो ऑन स्क्रीन गंदगी के बारे में बात कर? सी द प्रमाइस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक जर्नलिस्ट है आप लोग की तरह जो फेक न्यूज से थक चुका है, उसको टीआरपी के लिए बोला जाता है कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, करता है पहले बट फिर बोलता है मुझे नहीं करना। वो फेमस होता है एलियंस की स्टोरी के लिए कि एलियन से बात कर रहा है एंड स्टफ। सो थककर वो सोचता है कि अब मैं ये सब नहीं करना चाहता, कोविड भी हो गया, ये भी हो गया, वो हो गया, अब मैं अपने साथ रियल रहना चाहता हूँ। तो रियल रहने के चक्कर में सोचता हूँ मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलूँगा ताकि मैं खुद के न्यूज़ जो सच न्यूज़ है वो दिखा पाऊँ। तो ये मोहल्ले में जाता है एंड देन वहाँ कैसे क्रिएट होता है, वहाँ सेप्टिक टैंक को लेकर जो प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ, लड़कियों को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सॉल्व करने में लग जाता है। फिर वो क्यों ना हम साथ में मिलके वीडियोस बनाएं और उसी वीडियोस को एक जगह पोस्ट करें। और चैनल का नाम होगा टेढ़ी मेढ़ी कहानी। हमने हमेशा शहरों में दिखाई देता है, कोई अगर लैंडफिल है या फिर कोई नाला है तो उसके नज़दीक से अगर कोई गुजरता है तो नाक बंद कर लेता है। इस शो में काम करने के बाद ऐसे सभी लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सच में, हम ऐसे, हम भोपाल में गए ऐसे जगह पर जब सच में बहुत बास मार रहा था, मैं तो मस्ती कर रहा था कि आई एम इन्जॉइंग, आधे पौने घंटे बाद ना सर दुखना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई थिंक ऑफ दैट एयर एंड दैट द होल थिंग। बट ये कहानी उस ऐसे मोहल्ले की जहाँ पर ऐसा होता है। सो लॉट ऑफ प्लेसेस, हम मेट्रोज में रहते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते, ज़रा सा मेट्रो के बाहर जाओ सो मोहल्ले ऐसे ही होते हैं। मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ, आज जोधपुर गया था या कहीं भी गया था, मोहल्ले ऐसे ही होते हैं, टैंक्स ऐसे ही बनते हैं, और साफ सफ, मतलब इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ द क्लिनलीनेस तो बीमारियाँ ऐसे ही फैलती हैं। सो इन शॉर्ट इट्स अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी बिसाइड द मेट्रो, बट ऑल्सो द मेट्रो पीपल विल अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स देयर एंड दे विल। इनफैक्ट बॉम्बे में भी अगर आउटस्कर्ट्स में जाओ तो ऐसा होता ही है। मैं तो कहूँ कि ये दोनों हमारे शहर के रक्षक है। भल्ले मियाँ, ये सब ऊपर क्या देख रहे हैं? ब्लेसिंग ले रहे होंगे अपने पूर्वजों की। जू पर साफ सफाई का पूरा एक अभियान है, वो करते हैं वंस अ मंथ एंड स्टफ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, बट हमारे यहाँ अब तक, अभी जैसे हम जाम सोसाइटीज में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, हमें वो इश्यूज नहीं है कि सेप्टिक टैंक बनाना है या वो, एक्चुअली जहाँ मोहल्लाज है, जहाँ जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन में इंडिया लिव्स, वो वहाँ पर सब होता है। तो बाथरूम कहाँ है, एक बार देख सकता हूँ? उससे कौन देखता है, जब तक लगे नहीं हम खुद उसको नहीं देखते। मैं भी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सालों पहले ध्यान नहीं देता था बिकॉज हमारे में कल्चर में नहीं था, समझ नहीं थी। अब जब समझ आ गई है, जब पता है कि वो बेचारे मुश्किल से साफ सफाई करते और अब चॉकलेट का रैपर लेके खट करके विदाउट देखे फेंक देते, Now I feel really bad. Now I make sure people don't do it. And if I see, कभी रिक्शा से भी बाहर जाते हुए दिखता हूँ तो मैं अच्छी तरह के बोलता हूँ कि मत करिए, कहना होते हैं। So all of us should take care of those things.
आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, लगभग 2 दशक या अप्रॉक्सीमेटली, काफ़ी उतार चढ़ाव भरा ये सफ़र रहा होगा आपके लिए, खास करके पिछले कुछ सालों में, क्या आप उसके बारे में बात करना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं यार, पूरी दुनिया गुजरी कोविड से, सो मैं कोई एक अकेला नहीं हूँ या आप अकेले नहीं हैं, पूरी सो ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू इट एंड ऑल ऑफ अस हैव लर्नड अ लॉट. सो खाली आप पे डिपेंड करता है आप उसमें से पॉजिटिव निकालिए या उसमें से आप स्ट्रेस निकालिए. तो मैंने क्या किया, वो स्ट्रेस जो चल रहा था उसमें सिर्फ पॉजिटिव्स निकाले और अपने साथ. शादी से तो भागी थी ना मैं, तो दोबारा शादी क्यों करूंगी? प्राइस हो गई मैं विश्वास, पता क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी में आगे अकेले बढ़ना चाहते हो. बहुत से लोग सिर्फ ग्लैमर की दुनिया को देखते हैं, उसके पीछे भी एक जिंदगी होती है, निजी जिंदगी होती है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती रहती है जिनका सामना करना पड़ता है लोगों को, उसके बारे में ज़्यादा. ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस. जो आपके साथ हुआ था इन 2 साल में, सेम चीज़ हमारे साथ भी हुआ है, सेम चीज़ मेरे फैमिली के साथ भी हुआ है. तो ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मगर अब ना ये शो प्रॉब्लम, ये शो भी ऐसा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात है. और मैं नेगेटिविटी या पास्ट में बिलीव नहीं करता. आई ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी एंड आई ऑलवेज बिलीव के जो हो गया उसे भूल कर जस्ट लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यार लॉट ऑफ ये कोविड में ज़्यादा है कि डिप्रेशन ये बहुत टाइम से चल रहा है लोगों के दिमाग में. आई थिंक वन ऑफ द बिग स्टार्स हु ओपनड अप ओपनली वाज दीपिका पादुकोण. हैट्स ऑफ टू हर, जो ब्रेवली शी ओपनड अप दैट शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. मैं इनफैक्ट 2 दिन पहले अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, वो सेम चीज़ें बात कर रही थी. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. I don't feel like living. It's a very serious matter. And especially ये कोविड के वक्त लोग के ध्यान में ज़्यादा आया है. सो यू हैव टू फाइट इट योरसेल्फ. मतलब कोई आपको स्पून फीड करने नहीं आएगा. दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. दे विल, आई मीन समटाइम्स यू डोंट इवन रियलाइज, यू नो, कि आपका दोस्त गुजर रहा है. जैसे जो मैं जिसकी दोस्त की बात कर रहा हूँ, वो तो पार्टी करती है, चिल करती है, मैं रियलाइज ही नहीं किया. और उसने मुझे 2 दिन पहले बोला है ना, आई वॉज लाइक, फिर मैंने उससे आधे घंटे बात किया. So I think the most important thing is you should, if someone is going through that, you should talk to somebody. आप बात कर तो शेयर कर तो, हो सकता है सामने वाला आपको समझे और मदद करे. अगर आप बात ही नहीं करोगे ना तो किसको पता नहीं चलेगा. बिकॉज ऊपर से आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फसाड़ रखने की ट्राई करते हो, अंदर क्या चल रहा है नहीं पता. तो जो भी आपके क्लोज है, जो भी आपके जो आप समझते जो आप, उनसे बात करना ज़रूरी है. एक कोई लेसन जो आपने something that you have learned, ye show ho ya fir pichle kuch saalon ka experience, that the most important thing is health and happiness. Agar aapka health acha hai aur aap khush ho to aap dusre 20 logon ko khush rakh sakte ho aur unka bhi dhyan rakh sakte ho. aap hi collapse ho gaye to fir baki 20 ka kya hoga. so the most important thing is your health and your happiness. are ye ja lashe jaag jayengi duro duro frame mein mat aao. hello friends, main hu simply saloni, leke aayi hu ek nayi kahani. dekhiye life in orangi youtube ke navrangi channel par.